अगली कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या है हमारे पास, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, ये डिस्कस करते हैं कि एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, क्या ये प्रॉपर्टी है, ठीक है, और ये कैसे हम प्रूव कर सकते हैं कि ये कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है। चलिए देखते हैं, सबसे पहले तो बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है ये आप बता सकते हैं। बॉइलिंग पॉइंट अब कई बच्चे सोच रहे होंगे, इट इज द टेम्परेचर एट विच लिक्विड स्टार्ट्स बॉइलिंग। बॉइलिंग पॉइंट, टेम्परेचर एट विच लिक्विड स्टार्ट्स बॉइलिंग, बिल्कुल लेमैन लैंग्वेज में ठीक है डेफिनेशन, लेकिन एग्जैक्ट डेफिनेशन इसकी क्या है, बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है। बॉइलिंग पॉइंट क्या है, इट इज द टेम्परेचर एट विच वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड बिकम्स इक्वल टू एटमोस्फेरिक प्रेशर। ठीक है, एटमोस्फेरिक प्रेशर के बराबर आ जाए, कैसे देखिए, इसमें मान लेते हैं हमारे पास फिर से ये एक बीकर है और इसके अंदर हमने कुछ लिक्विड भरा हुआ है। ठीक है, फिर से इसको हम हीट कर रहे हैं, जब हीट कर रहे हैं तो कुछ लिक्विड किसमें कन्वर्ट हो रहा है, वेपर्स के अंदर। ठीक है, तो प्रेशर लग रहा है। अब हमने पढ़ा था कि ये सिस्टम आइसोलेटेड सिस्टम होता है। ठीक है, तो बाहर का प्रेशर कितना है, मान लेते हैं 2 एटमॉस्फेयर। मैंने मान लिया कि बाहर का प्रेशर कितना है, 2 एटमॉस्फेयर। ठीक है, जब एक टाइम आएगा जब अंदर का प्रेशर भी कितना हो जाएगा, 2 एटमॉस्फेयर। जो वेपर प्रेशर है वो भी कितना हो जाएगा, 2 एटमॉस्फेयर। ठीक है, जिस टेम्परेचर पे, एक ऐसा टेम्परेचर जिस पे वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड कितना हो गया, जो बाहर का एटमॉस्फेरिक प्रेशर है उसके बराबर हो गया। बाहर का एटमॉस्फेरिक प्रेशर मैंने कितना माना था, 2। जब वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड भी कितना हो गया, 2 हो गया, उस टेम्परेचर को हम क्या बोलेंगे, इट इज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ दैट लिक्विड। समझ आया कि एक ऐसा टेम्परेचर जिस पे वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड किसके बराबर हो जाए, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के। एटमॉस्फेरिक प्रेशर मतलब बाहर का प्रेशर, एटमॉस्फेयर का प्रेशर। जनरली 1 एटमॉस्फेयर होता है, लेकिन आपको समझाने के लिए मैंने इसमें क्या ले लिया है, 2 एटमॉस्फेयर। ठीक है, तो एक ऐसा टेम्परेचर जब वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड सराउंडिंग के प्रेशर के इक्वल आ जाए, उसको हम क्या बोलेंगे, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ दैट लिक्विड। गुड डाउट, टेक्निकल डेफिनेशन समझ आ गई है। ठीक है, तो डेफिनेशन नोट कर लीजिए, बॉइलिंग पॉइंट इज द टेम्परेचर एट विच वेपर प्रेशर ऑफ द लिक्विड बिकम्स इक्वल टू द एटमोस्फेरिक प्रेशर। ठीक है, रिपीट करता हूं, बॉइलिंग पॉइंट इज द टेम्परेचर एट विच वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड बिकम्स इक्वल टू एटमोस्फेरिक प्रेशर। गुड डाउट, अब हमें क्या स्टडी करना है कि हमने इस लिक्विड के अंदर एक सॉल्यूट डाल दिया। ठीक है, इस लिक्विड के अंदर एक सॉल्यूट डाल दिया तो बॉइलिंग पॉइंट पे क्या इफेक्ट आएगा, एक नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डालने पे इस बॉइलिंग पॉइंट पे क्या इफेक्ट आता है। ठीक है, देखते हैं, एग्जांपल देके ही इसको स्टडी करते हैं। ठीक है, इसे रब कर दें, चलिए इसी डायग्राम में थोड़ा सा एडिट कर लेते हैं। मान लेते हैं प्योर लिक्विड था, ठीक है, प्योर लिक्विड था, मान लेते हैं हमारे पास जब ये प्योर लिक्विड था, ठीक है, बाहर का प्रेशर था 2 एटमॉस्फियर, ठीक है, और अंदर का प्रेशर भी 2 एटमॉस्फियर करने के लिए इसको टेम्परेचर लग रहा था 70 डिग्री। एज्यूमिंग कि 70 डिग्री पे प्योर लिक्विड के केस में जो वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड है वो किसके बराबर आ रहा था, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर आ रहा था। ठीक है, ये हमारा नॉर्मल प्योर लिक्विड का केस था। अब हम एक और केस एज्यूम करते हैं, वही सेम बीकर,
ठीक है, सेम केस अज्यूम करते हैं, लेकिन अब इस केस में क्या फर्क आएगा? देखिए, अब इसके अंदर हमने मान लेते हैं कुछ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड कर दिया, ठीक है, प्योर लिक्विड नहीं है। अब इसके अंदर क्या है, कुछ बी ऐड कर दिया है। बी क्या है? नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। और अभी अभी हमने पढ़ा है, जैसे ही हम एक नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड करते हैं तो वेपर प्रेशर क्या हो जाता है, एकदम से कम हो जाता है। तो पहले क्या था, 70 डिग्री ही मेंटेन किया हुआ था, 70 डिग्री ही मेंटेन किया हुआ था। तो पहले क्या था, 70 डिग्री वॉज द बॉइलिंग पॉइंट। क्यों 70 डिग्री बॉइलिंग पॉइंट क्यों था पहले? क्यों? क्योंकि 70 डिग्री पे जो वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड है और जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, वो दोनों बराबर आ चुके थे, ठीक है। लेकिन अब क्या है, अब हमने इसके अंदर एक नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड कर दिया, बाहर का प्रेशर तो अभी भी 2 एटमॉस्फेयर रहेगा, उसमें तो कोई चेंज नहीं आ सकता। बाहर का प्रेशर तो अभी भी 2 एटमॉस्फेयर है, लेकिन अंदर का प्रेशर क्या हो गया, कम हो गया। क्योंकि अभी अभी हमने पढ़ा है कि अगर हम एक सॉल्यूट ऐड कर देते हैं तो वेपर प्रेशर क्या हो जाता है, कम हो जाता है। रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर या लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। तो जैसे ही हमने इसके अंदर एक सॉल्यूट ऐड किया, जो प्रेशर पहले 2 था, पहले कितना था ये 2, अब ये मान लेते हैं 1 एटमॉस्फेयर रह गया या 1.5 एटमॉस्फेयर रह गया। तो सॉल्यूट को ऐड करने से क्या हुआ, वेपर प्रेशर कम हो गया। अब ये बॉइलिंग पॉइंट नहीं रहा, मतलब अब इस केस में 70 डिग्री इज नॉट इक्वल टू बॉइलिंग पॉइंट। क्यों? बॉइलिंग पॉइंट तो वो होता है जब वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड और एटमॉस्फेरिक प्रेशर बराबर हो। अब वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड तो है 1.5 और सराउंडिंग का जो प्रेशर है वो कितना है, 2 एटमॉस्फेयर। तो अब फिर से और हीट करना पड़ेगा, तो हमें टेम्परेचर को और बढ़ाना पड़ेगा ताकि और ज्यादा वेपर्स बने। टेम्परेचर और बढ़ाना पड़ेगा ताकि और ज्यादा वेपर्स बने और प्रेशर और ज्यादा इंक्रीज करे। तो मान लेते हैं ये चीज क्लियर हुई कि हमें टेम्परेचर क्यों बढ़ाना पड़ा, ताकि टेम्परेचर बढ़ेगा और ज्यादा वेपर्स बनेंगे, और ज्यादा वेपर्स बनेंगे तो प्रेशर और एनहांस करेगा और एक टाइम पे किसके बराबर आ जाएगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर, ठीक है। अब मान लेते हैं हमें 90 डिग्री तक टेम्परेचर लेके जाना पड़ा, जो पहले 70 था, अब उसको हमें कितना करना पड़ा, 90 करना पड़ा, ताकि जो 1.5 एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो फिर से किसके बराबर आ जाए, 2 एटमॉस्फेयर के, ठीक है। अब जाके जो वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड है और जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो बराबर हुए। तो मतलब जब हम एक नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड कर चुके हैं, उस केस में 90 डिग्री इज द बॉइलिंग पॉइंट, उस केस में 90 डिग्री इज द बॉइलिंग पॉइंट। मतलब जब भी हम एक नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड करेंगे तो वेपर प्रेशर कम होगा, वेपर प्रेशर कम होने के कारण उसे थोड़ा सा और हीट करना पड़ेगा ताकि और ज्यादा वेपर्स बने, और ज्यादा वेपर्स बनेंगे तो एक टाइम आएगा कि जो वेपर प्रेशर कम हुआ था वो फिर से इंक्रीज हो जाएगा और बॉइलिंग पॉइंट फिर से अचीव हो जाएगा। लेकिन वो बॉइलिंग पॉइंट ओरिजिनल बॉइलिंग पॉइंट से हमेशा ही क्या होगा, ज्यादा होगा। तो बॉइलिंग पॉइंट हमेशा बढ़ जाता है जब हम एक नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को ऐड करते हैं इन अ गिवन सॉल्वेंट। ये पॉइंट क्लियर हुआ? दोबारा समझिए, इनिशियली हमारे पास एक लिक्विड था, ठीक है, उसको हम हीट करते गए करते गए, 70 डिग्री पे जाके उसका वेपर प्रेशर कितना हो गया, 2 एटमॉस्फियर, विच इज इक्वल टू प्रेशर ऑफ सराउंडिंग, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक है। अब हमने क्या किया, 70 डिग्री पे ही लिक्विड था लेकिन उसके अंदर कुछ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड कर दिया, जिसके कारण जो प्रेशर पहले 2 एटमॉस्फेयर था अब क्या हो गया, 1.5। क्यों? क्योंकि हमने पढ़ा है कि जब भी हम एक नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड करते हैं तो वेपर प्रेशर विल डिक्रीज, तो 2 से वो कम होके एज्यूम कर लिया 1.5 हो गया। तो अब ये जो 70 डिग्री है ये बॉइलिंग पॉइंट नहीं रहा। क्यों? क्योंकि अब सराउंडिंग का प्रेशर और वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड इक्वल नहीं है। बॉइलिंग पॉइंट वही होता है जब सराउंडिंग का प्रेशर और वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड इक्वल हो। अब ये इक्वल नहीं है तो अब 70 डिग्री विल नॉट बी कंसीडर्ड एज अ बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। तो अब हमें इसको और हीट करना पड़ेगा। क्यों हीट करना पड़ेगा? ताकि जो वेपर प्रेशर कम हो चुका है उसको हम एनहांस कर सकें, और ज्यादा वेपर्स बनेंगे और ज्यादा वेपर प्रेशर एनहांस होता जाएगा। तो हमने इसको हीट किया
90 डिग्री तक, ताकि उसका वेपर प्रेशर फिर से किसके इक्वल हो जाए, 2 एटमॉस्फेयर के इक्वल हो जाए। अब जाके 90 डिग्री पे जाके प्रेशर कितना बन गया, 2 एटमॉस्फेयर, विच इज इक्वल टू द प्रेशर ऑफ सराउंडिंग। तो इस केस में जब हमने नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड कर दिया है, 90 डिग्री विल बी द बॉइलिंग पॉइंट। तो हमेशा ही जब भी हम नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड करते हैं तो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द लिक्विड विल इंक्रीज। ये पॉइंट क्लियर है, कोई डाउट? ठीक है, नोट करिए इस डायग्राम को, अच्छे तरह से समझिए, जो भी आपको अपनी वर्डिंग में नोट करना है कीजिए, उसके बाद मैं नोट करवाता। ठीक है, तो देखिए इस केस में हमने क्या समझा कि ऑन एडिंग ऑन एडिंग अ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट इंक्रीजेस। तो इसका मतलब जो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन होता है वो हमेशा ज्यादा होता है किसके, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट से। जो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन होता है वो हमेशा ज्यादा होता है किससे, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट से। ठीक है, मान लेते हैं जो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन था उसको हम मान लेते हैं टीबी सॉल्यूशन, ये ज्यादा है एज कंपेयर टू बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट। कितना ज्यादा है उसको हम बोलते हैं चेंज इन बॉइलिंग पॉइंट, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट बढ़ गया, कितना बड़ा उसको हम बोलते हैं एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। कितना बड़ा कैसे निकालेंगे, जो फाइनल बॉइलिंग पॉइंट है माइनस जो पहले बॉइलिंग पॉइंट था। तो ये फॉर्मूला ए का बन जाता है आपका एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट का। डेल्टा टी बी क्या है यहाँ पे, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। क्लियर है ये चीज कि जब हमने एक नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड किया तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ गया, कितना बड़ा उसको हम बोल रहे हैं एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। ये चीज आपको याद रखनी पड़ेगी कि सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है एज कंपेयर टू सॉल्वेंट। क्यों ज्यादा होता है वो हमने पढ़ लिया। एक और तरीका है इसको समझने का कि बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन क्यों ज्यादा होता है। देखिए अगर हम सॉल्वेंट की बात करते हैं, सॉल्वेंट में सिर्फ ए ए फोर्सेस थी, एज्यूमिंग ए एज द सॉल्वेंट, और जब हमने इसके अंदर एक सॉल्यूशन बना दिया नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड करके, तो ए ए फोर्सेस तो अभी भी होंगी, ए ए फोर्सेस तो अभी भी होंगी, साथ में एक नई फोर्स जुड़ जाएगी ए बी सॉल्यूट सॉल्वेंट फोर्सेस। तो हमें पता है जब फोर्सेस ज्यादा हो गई हैं तो उन फोर्सेस को तोड़ने के लिए टेम्परेचर भी ज्यादा लगेगा। ठीक है, जब फोर्सेस ज्यादा हैं तो टेम्परेचर भी ज्यादा लगेगा उस फोर्सेस को तोड़ने के लिए, उस लिक्विड को बॉयल करने के लिए। तो फोर्सेस ज्यादा किसमें हैं, सॉल्यूशन में, तो बॉइलिंग पॉइंट हमेशा किसका ज्यादा होगा, सॉल्यूशन का। इस तरीके से भी आप याद कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि सॉल्यूशन में फोर्सेस ज्यादा हैं तो बॉइलिंग पॉइंट किसका ज्यादा रहेगा, सॉल्यूशन का, एज कंपेयर टू बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट। कितना ज्यादा है उसको हमने बोला एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डाउट? ठीक है, अब एक्सपेरिमेंटली ये ऑब्जर्व किया गया है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट होता है डेल्टा टी बी, वो किसके बराबर होता है, के बी इंटू एम के। यहाँ पे डेल्टा टी बी तो हमें पता है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, के बी क्या होता है, मोलल एलिवेशन कांस्टेंट फॉर सॉल्वेंट। ये किसके लिए डिफाइन होता है, हमेशा सॉल्वेंट के लिए, मोलल एलिवेशन कांस्टेंट फॉर सॉल्वेंट, या इसको हम बोलते हैं इब्यूलोस्कोपिक कांस्टेंट। क्या बोलते हैं, इब्यूलोस्कोपिक कांस्टेंट। ठीक है, और एम क्या होता है यहाँ पे, मोलैलिटी ऑफ सॉल्यूशन। एम क्या है, स्मॉल एम मोलैलिटी
और सॉल्यूशन। ठीक है, तो एक फॉर्मूला आपको ये याद रखना है, डेल्टा टी बी इज के बी इंटू एम, वे के बी इज द मोलर एलिवेशन कॉन्स्टेंट और इब्यूलोस्कोपिक कॉन्स्टेंट एंड एम इज द मोलैलिटी। और के बी फॉर वॉटर आपको हमेशा याद रखना पड़ेगा, के बी फॉर वॉटर एट नॉर्मल टेम्परेचर, रूम टेम्परेचर 25 डिग्री इज कितना होता है 0.53 केल्विन पर केजी पर मोल। ठीक है, के बी फॉर वॉटर कितना होता है 0.53। ठीक है, कोई डाउट? डेल्टा टी बी हम पढ़ चुके हैं, डेल्टा टी बी क्या होता है, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट विच इज इक्वल टू बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन माइनस बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट। ठीक है, कोई डाउट इसके अंदर? एम इज द मोलैलिटी ऑफ सॉल्यूशन, वो हमें निकालनी आती है, के बी इज द मोलर एलिवेशन कॉन्स्टेंट। अच्छा, अगर हमें यहाँ पे के बी की डेफिनेशन बनानी हो तो कैसे बनाओगे, क्या होगी मोलर एलिवेशन कॉन्स्टेंट की डेफिनेशन? देखिए, डेल्टा टी बी किसके बराबर है, के बी इंटू एम के। अगर मैं मोलैलिटी को वन कर दूं, अगर मैं मोलैलिटी को कितना मान लूं वन, तो मोलर एलिवेशन कॉन्स्टेंट किसके बराबर आ जाएगा, डेल्टा टी बी के, मतलब एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट के। तो इब्यूलोस्कोपिक कॉन्स्टेंट इज डिफाइंड एज एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, इब्यूलोस्कोपिक कॉन्स्टेंट इज डिफाइंड एज एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट फॉर अ सॉल्यूशन हुज मोलैलिटी इज इक्वल टू वन। ठीक है, डेफिनेशन लिख लीजिए, इब्यूलोस्कोपिक कॉन्स्टेंट इज इक्वल टू एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट फॉर अ सॉल्यूशन हुज मोलैलिटी इज वन। बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है ये। ठीक है, फॉर वन मोलर सॉल्यूशन एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट विल बी इक्वल टू द इब्यूलोस्कोपिक कॉन्स्टेंट, या इब्यूलोस्कोपिक कॉन्स्टेंट इज डिफाइंड एज एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट फॉर अ सॉल्यूशन हुज मोरलिटी इज वन, या फॉर अ सॉल्यूशन कंटेनिंग वन मोल ऑफ सॉल्यूट इन वन केजी ऑफ सॉल्वेंट, ताकि मोरलिटी कितनी आ जाए, वन आ जाए। कोई डाउट? ठीक है, नोट कर लीजिए इसे, फिर आगे इसके न्यूमेरिकल्स प्रैक्टिस करते हैं। एक इसका ग्राफ भी है, पहले वो डिस्कस कर लेते हैं। चलिए पहले इस ग्राफ को डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, ये ग्राफ है, इस एक्सिस पे हमने वेपर प्रेशर को रिप्रेजेंट किया है, यहाँ पे टेम्परेचर को। ठीक है, प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर मान लेते हैं, इस पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ये हमारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, यहाँ पे जो प्रेशर है ये क्या है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो इस टेम्परेचर पे ये लाइन इसको यहां कट कर रही है, तो मतलब इसके कॉरेस्पॉन्डिंग टेम्परेचर क्या हुआ, टी बी नॉट। तो टी बी नॉट क्या होगा हमारे लिए, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट, ये सॉल्वेंट के एक्सिस को कट कर रही है ना, तो टी बी नॉट क्या होगा, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट। और सॉल्यूशन का ये ग्राफ है, हमेशा याद रखना है कि जो सॉल्यूशन का ग्राफ है वो पैरेलल चलेगा किसके, सॉल्वेंट, ये हमेशा याद रखना, ये जो सॉल्यूशन का ग्राफ है वो हमेशा किसके पैरेलल चलेगा, सॉल्वेंट के, क्योंकि सिर्फ इंक्रीज हुआ है, नेचर चेंज नहीं हुआ। ठीक है, सिर्फ इंक्रीज हुआ है बॉइलिंग पॉइंट, तो हमेशा पैरेलली चलता जाएगा। ठीक है, तो इस एक्सिस को जब ये कट करेगा तो ये क्या बन जाएगा, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। तो ये देखिए, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन ज्यादा है एज कंपेयर टू बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट, कितना ज्यादा है उसको हमने क्या बोल दिया है, डेल्टा टी बी। ये चीज क्लियर है, ये ग्राफ आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना पड़ेगा, क्योंकि अगर क्वेश्चन आ जाता है व्हाट इज एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, तो आपको ग्राफ साथ में बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो ये ग्राफ थोड़ा सा ध्यान से नोट कर लीजिए इसे। ठीक है, फिर आगे पढ़ते हैं। ये हमने पढ़ लिया कि एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट होता क्या है, इब्यूलोस्कोपिक कॉन्स्टेंट की डेफिनेशन क्या है, वो हमने पढ़ ली। अच्छा, हाउ विल यू प्रूव दैट एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट इज अ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। अभी अभी हमने क्या पढ़ा कि जो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट होता है वो किसके बराबर होता है, के बी इंटू एम के। ये चीज अभी अभी हमने पढ़ी कि जो डेल्टा टी बी होता है वो किसके बराबर होता है, के बी इंटू एम के। और मोलैलिटी क्या होती है, मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, यही तो डेल्टा टी बी होता है। इसका मतलब मैं कह सकता हूं कि डेल्टा टी बी
या एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल्स ऑफ सॉल्यूट, हेंस इट डिपेंड्स ऑन अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, हेंस एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट इज अ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। यहां से आपसे एक और चीज पूछ सकते हैं, हाउ विल यू कैलकुलेट द मॉलिकुलर मास ऑफ सॉल्यूट यूजिंग एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। तो हमने ये फॉर्मूला, इसी को थोड़ा सा आगे लिखते हैं, तो ये क्या बन जाएगा, के बी इंटू मोल्स ऑफ सॉल्यूट को कैसे लिखोगे, गिवन मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मॉलिकुलर मास ऑफ सॉल्यूट और गिवन मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजीज, या अगर हम इसे ग्राम्स में लेते हैं तो इंटू 1000। ठीक है, तो जब आप इसको थोड़ा सा रीअरेंज करेंगे तो एम बी किसके इक्वल आ जाएगा, मॉलिकुलर मास ऑफ सॉल्यूट किसके इक्वल आ जाएगा, के बी इंटू डब्ल्यू बी डिवाइडेड बाय डब्ल्यू ए इंटू 1000 डिवाइडेड बाय डेल्टा टी बी। इस फॉर्मूला को यूज करके आप क्या निकाल सकते हैं, मॉलिकुलर मास ऑफ सॉल्यूट। फिर से हमें ये फॉर्मूला याद नहीं करना है, लेकिन अगर क्वेश्चन में पूछ लेते हैं तो आपको ये डिराइव करना आना चाहिए। डेराइव तो कुछ भी नहीं है, बस वैल्यू पुट की है, आंसर आ जाएगा। ठीक है, कोई डाउट इसे नोट कर लीजिए। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं इसका। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, 18 ग्राम ऑफ ग्लूकोज हैविंग मॉलिक्यूलर मास 180 इज डिसॉल्वड इन 1 केजी ऑफ वाटर, एट व्हाट टेम्परेचर विल दिस सॉल्यूशन बॉइल। सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट पूछा है, एट व्हाट टेम्परेचर विल दिस सॉल्यूशन बॉइल। KB फॉर वाटर दिया है 0.52, ठीक है, KB फॉर वाटर एंड नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर हमें पता ही है 373.1। ठीक है, तो देखते हैं, देखिए इस क्वेश्चन में आपने 18 ग्राम ग्लूकोज डिसॉल्व किया है इन 1 केजी वाटर, 18 ग्राम ग्लूकोज इसको डिसॉल्व किया है इन 1 केजी वाटर के अंदर। ठीक है, 18 ग्राम ग्लूकोज इन 1 केजी वाटर, और आपको दिया है कि जो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर है वो किसके बराबर है, 373.1 केल्विन। ठीक है, और साथ में आपको दिया है कि केबी ऑफ वाटर, सॉल्वेंट का केबी होता है, हमेशा याद रखना कि केबी किसके लिए होता है, सॉल्वेंट के लिए, वो कितना है 0.52। अब हमें पता है डेल्टा टी भी लगाना पड़ेगा, हमसे क्या पूछा है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, तो पहले हम डेल्टा टी भी निकाल लेते हैं। तो डेल्टा टी भी किसके बराबर होता है, के बी इंटू एम। तो डेल्टा टी भी हमें निकालना है, के बी इज 0.52, मोलैलिटी होती है मोल्स ऑफ सॉल्यूट विच इज गिवन मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मॉलिकुलर मास अपॉन गिवन मास ऑफ सॉल्वेंट, सॉल्वेंट का मास कितना है 1 kg, तो यहां से डेल्टा टी भी आ जाएगा, डेल्टा टी भी कितना आएगा आपका 0.05, डेल्टा टी भी कितना आया 0.05। कोई डाउट, ठीक है, अब डेल्टा टी भी किसके बराबर होता है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन माइनस बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, तो डेल्टा टी भी हमारे पास है 0.05 इज इक्वल टू बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। अब ये देखिए डेल्टा टी भी, आप ये मत चेक करिए कि डिग्री सेल्सियस में है केल्विन में है, क्योंकि तो चेंज है, ठीक है, तो चेंज में हमें यूनिट से कोई लेना देना नहीं है। तो चेंज इन बॉइलिंग पॉइंट विच इज 0.05, टी भी ऑफ सॉल्यूशन ये हमें निकालना है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन हमें कैलकुलेट करना है, माइनस बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट हमें कितना है, गिवन है 373.1। तो यहां से आपका बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन आ जाएगा, और वो किसमें आएगा, केल्विन्स में। ठीक है, वो कितना आ रहा है, 373.15 केल्विन। कोई डाउट, आसान सा क्वेश्चन है, नोट कर लीजिए, फिर आगे डिस्कस करते हैं। चलिए इसी का सेकंड क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या है, द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ बेंजीन इज 353.23। तो बेंजीन का बॉइलिंग पॉइंट गिवन है 353.23, मतलब सॉल्वेंट, बेंजीन इज अ सॉल्वेंट, सॉल्वेंट को हम ए मान लेते हैं 353.23
केल्विन। 1.80 ग्राम ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट इज डिजॉल्व इन 90 ग्राम बेंजीन। तो 1.8 ग्राम सॉल्यूट आपने डिसॉल्व किया इन 90 ग्राम बेंजीन, मतलब सॉल्वेंट। द बॉइलिंग पॉइंट इज रेज्ड टू, फाइनली इतना हो गया, चेंज नहीं है, ध्यान से समझिए क्वेश्चन को। द बॉइलिंग पॉइंट इज रेज्ड टू, मतलब फाइनल बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन इतना हो गया, चेंज इन बॉइलिंग पॉइंट ये नहीं है, ठीक है। तो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन कितना हो गया, 354.11। तो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन कितना हो गया, 354.11 केल्विन्स। कैलकुलेट द मोलर मास ऑफ सॉल्यूट इफ केबी ऑफ बेंजीन इज 2.53। केबी आपको दिया है 2.53। अब समझिए, जो डेल्टा टीबी होता है वो फिर से किसके बराबर होता है, केबी इंटू एम। डेल्टा टीबी क्या होता है, इंक्रीज इन बॉइलिंग पॉइंट। कितना इंक्रीज हुआ, फाइनली हो गया 354.11 माइनस इनिशियली कितना था, 353.23। केबी कितना गिवन है, 2.53 इंटू मोलैलिटी किसके बराबर होती है, मोल्स ऑफ सॉल्यूट। गिवन मास ऑफ सॉल्यूट कितना है, 1.8। मॉलिक्यूलर मास हमें निकालना है डिवाइडेड बाय गिवन मास ऑफ सॉल्वेंट 90 ग्राम, ग्राम में है तो इंटू 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो इसको सॉल्व कर लीजिए और यहां से क्या आ जाएगा, मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट। कोई डाउट, ठीक है, नोट कर लीजिए इसे। अगला क्वेश्चन, 1 ग्राम ऑफ नॉन इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूट इज डिजॉल्व इन 50 ग्राम बेंजीन। 1 ग्राम सॉल्यूट डिजॉल्व किया इन 50 ग्राम बेंजीन। 1 ग्राम सॉल्यूट इज डिजॉल्व इन 50 ग्राम बेंजीन। लोअर्ड द फ्रीजिंग पॉइंट, ये फ्रीजिंग पॉइंट के ऊपर क्वेश्चन है, फ्रीजिंग पॉइंट अभी हमने नहीं किया है, इसको हम बाद में डिस्कस करते हैं, ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन करते हैं, ये रहने दीजिए। फोर्थ क्वेश्चन, द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर एट 750 mmHg इज 99.63 डिग्री सेल्सियस। तो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर गिवन है, मतलब सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर कितना गिवन था आपको, 99.63 डिग्री। हाउ मच शुगर इज टू बी एडेड, मतलब गिवन मास ऑफ सॉल्यूट हमें निकालना है, हाउ मच शुगर, कि कितना हम शुगर ऐड करें टू 500 ग्राम वाटर सच दैट इट बॉइल्स एट 100 डिग्री, ठीक है। 500 ग्राम वाटर लिया हुआ है, इसके अंदर कितना शुगर हम ऐड करें, कितना शुगर हम ऐड करें कि जो बॉइलिंग पॉइंट है वो अब कितना हो जाए, 100 डिग्री। तो मतलब बॉइलिंग पॉइंट की बात चल रही है, बॉइलिंग पॉइंट की बात चल रही है, तो डेल्टा टी भी लगेगा ही लगेगा। डेल्टा टी भी किसके बराबर होता है, के बी इंटू एम। के बी क्या होता है, मोलर एलिवेशन कॉन्स्टेंट। डेल्टा टी भी क्या होता है, चेंज इन बॉइलिंग पॉइंट। चेंज इन बॉइलिंग पॉइंट मतलब 100 हो गया, पहले कितना था, 99.63, और ये हमेशा पॉजिटिव आता है वैल्यू, ये वैल्यू हमेशा कैसी आएगी, पॉजिटिव। के बी ऑफ वाटर 0.52 या 0.53 ले सकते हैं आप इसे, इंटू मोलैलिटी। मोलैलिटी किसके बराबर होती है, मोल्स ऑफ सॉल्यूट। मोल्स ऑफ सॉल्यूट शुगर लिया है हमें, शुगर का फॉर्मूला क्या होता है, C12H22O11, ठीक है। ये हमेशा याद रखना कि शुगर का फॉर्मूला क्या होता है, C12H22O11। तो जब आप इसका मॉलिकुलर मास कैलकुलेट करोगे, दिस विल बी 342, ठीक है। इसका मॉलिकुलर मास कितना आता है, 342। अब देखिए, इसके अंदर डेल्टा टी बी इज के बी इंटू एम। मोलैलिटी, मोलैलिटी क्या होता है, गिवन मास ऑफ सॉल्यूट। गिवन मास ऑफ सॉल्यूट जो हमें निकालना है कि कितना शुगर हमने ऐड किया, अपॉन मॉलिकुलर मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय गिवन मास ऑफ सॉल्वेंट। गिवन मास ऑफ सॉल्वेंट कितना है, 500 ग्राम वाटर, और ग्राम्स में है तो 1000 से मल्टीप्लाई करें। तो यहां से आप क्या निकाल सकते हैं, डब्ल्यू बी।
समझ आया नहीं आया, कोई डाउट है किसी को इस क्वेश्चन में, नोट कर लीजिए इसे। ठीक है, शुगर का फॉर्मूला आपको याद करना पड़ेगा, C12H22O11। ठीक है, सुक्रोस, सुक्रोस होती है हमारी केन शुगर। ठीक है, नोट कर लीजिए इसे। अगला क्वेश्चन, व्हाट रोल डज द मॉलिक्यूलर इंटरेक्शन प्ले इन सॉल्यूशन ऑफ एल्कोहल एंड वाटर। मॉलिक्यूलर इंटरेक्शन क्या रोल प्ले करती हैं इन द सॉल्यूशन ऑफ एल्कोहल एंड वाटर। चलिए इस क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए पहले आपके पास एल्कोहल अलग था, एल्कोहल में अपनी हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, एल्कोहल होता है ROH। ठीक है, तो एल्कोहल में भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है और वाटर के अंदर तो बहुत ही ज्यादा अच्छी हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, केज लाइक स्ट्रक्चर ऑफ आइस। ठीक है, तो वाटर के अंदर तो इवन तीन तीन हाइड्रोजन बॉन्ड्स होते हैं, तो वाटर की हाइड्रोजन बॉन्डिंग का मुकाबला हमारे पास कोई मॉलिक्यूल नहीं कर सकता। बहुत अच्छी हाइड्रोजन बॉन्डिंग इसके अंदर देखने को मिलती है। ठीक है, तो इनिशियली अगर हम देखें, अल्कोहल भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना रहा था और अल्कोहल भी वाटर भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना रहा था, और वाटर के अंदर बहुत अच्छी हाइड्रोजन बॉन्डिंग थी। जब इन दोनों को मिक्स किया, जब हम इन दोनों को मिक्स करेंगे तब क्या होगा, एक एल्कोहल है और अब एल्कोहल वाटर की फोर्सेस चेक करनी है। एल्कोहल वाटर में कितने हाइड्रोजन बॉन्ड्स आएंगे, एक ही आएगा। ठीक है, एल्कोहल वाटर में कितने हाइड्रोजन बॉन्ड आएंगे, एक ही हाइड्रोजन बॉन्ड आएगा, जबकि पहले हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज्यादा थी, तो इनिशियली फोर्सेस वर स्ट्रांग, इनिशियली फोर्सेस वर स्ट्रांग, और फाइनली फोर्सेस कैसी हो गई, कंपैरेटिवली वीक हो गई है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग तो अभी भी है लेकिन कम हो चुकी है, तो फाइनली फोर्सेस आर वीक। पहले स्ट्रांग फोर्सेस थी, अब फोर्सेस कैसी हो गई हैं, वीक। मतलब पहले वेपर्स कम बन रहे थे, अब वेपर्स ज्यादा बनेंगे उसी टेम्परेचर पे, तो वेपर प्रेशर तो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, वेपर प्रेशर बढ़ जाएगा। अगर वेपर प्रेशर बढ़ा तो बॉइलिंग पॉइंट कैसा होगा, बॉइलिंग पॉइंट विल डिक्रीज। कोई डाउट, समझ आ गया सबको? ठीक है, अगर वेपर प्रेशर बढ़ा तो बॉइलिंग पॉइंट विल डिक्रीज। ऐसा क्यों, क्योंकि अभी अभी जब हमने एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट डिस्कस किया था तब हमने वहां पे पढ़ा कि अगर हम नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डालते हैं तो वेपर प्रेशर कम हो जाता है, वेपर प्रेशर कम होने से बॉइलिंग पॉइंट बढ़ रहा था, तो इनवर्स रिलेशन था। तो अगर यहाँ पे वेपर प्रेशर बढ़ गया है तो बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है, तो ये रोल प्ले कर रही हैं अट्रैक्टिव फोर्सेस इन एल्कोहल एंड वाटर। कोई डाउट, नोट कर लीजिए इसे, फिर अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, एक्सप्लेन व्हाई ऑन एडिशन ऑफ 1 मोल ऑफ NaCl टू 1 लीटर ऑफ वाटर द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इंक्रीजेस, व्हाइल एडिशन ऑफ मिथाइल अल्कोहल टू 1 लीटर वाटर द बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीजेस। ठीक है, कि अगर हम NaCl ऐड करते हैं तो बॉइलिंग पॉइंट कम होता है, और अगर हम मिथाइल अल्कोहल ऐड करते हैं तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता है। देखिए, जो मिथाइल अल्कोहल है वो एक अल्कोहल है। ठीक है, जो मिथाइल अल्कोहल है वो वोलेटाइल होता है, गैस में जाने की टेंडेंसी रखता है, और अल्कोहल्स आर वोलेटाइल इन नेचर, लोअर अल्कोहल्स आर वोलेटाइल इन नेचर। तो जो मिथाइल अल्कोहल है वो वोलेटाइल है, वोलेटाइल है मतलब गैस में जाने की टेंडेंसी रखता है। तो जब हम वाटर के अंदर अल्कोहल ऐड करेंगे तो और ज्यादा वेपर्स बनेंगे, क्योंकि सॉल्वेंट भी वेपर में जाने की टेंडेंसी रखता था और अल्कोहल भी वेपर में जाने की टेंडेंसी रखता है, गैस में जाने की टेंडेंसी रखता है, तो वेपर प्रेशर उससे बढ़ जाएगा। अगर वेपर प्रेशर बढ़ा तो बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। लेकिन जो NaCl है, NaCl कैसा होता है, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। क्या नमक कभी भी वेपोरेट करता है, नहीं, अल्कोहल हमेशा ही वेपोरेट कर जाती है। कभी आप बोतल को ओपन करके रख के देखना, थोड़ी देर बाद वो खत्म हो जाएगी। तो अल्कोहल
has a tendency to get converted into gaseous phase, whereas NaCl is non-volatile. अगर नॉन वोलेटाइल है तो ये गैस के अंदर नहीं जा सकता. गैस के अंदर नहीं जा सकता तो ये तो अभी अभी हमने पढ़ा है कि अगर हम कोई भी नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड कर देते हैं तो वेपर प्रेशर क्या हो जाता है, कम हो जाता है, और अगर वेपर प्रेशर कम हो रहा है तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है. तो ये इसका आंसर आएगा विदाउट. ठीक है, नोट कर लीजिए इसे. So NaCl is a non-volatile solute, therefore addition of NaCl lowers the vapor pressure of water, as a result boiling point increases. On the other hand, methyl alcohol is more volatile, therefore addition increases the total vapor pressure, as a result boiling point decreases. ठीक है, बहुत important question है ये. दोनों question theoretical हैं और बहुत important है. ठीक है, note कर दीजिए इन दोनों को. Explain the relevance of elevation of boiling point in determination of molecular mass. ये हमने derivation करते हुए पढ़ लिया था कि how elevation in boiling point is helpful in calculating the molecular mass of a non-volatile solute. तो ये same पूरी derivation वही है कि delta TB is KB into m. ठीक है, delta TB आपको पता है KB into m होता है. Molality किसके बराबर होती है, moles of solute upon solvent का mass into 1000. तो वहां से इन्होंने molecular mass of solute आपको निकाल के दिखा दिया है. ठीक है, यही फॉर्मूला हमने डिराइव किया था. ठीक है, एट्थ क्वेश्चन डिस्कस करते हैं. एट्थ क्वेश्चन में क्या है, अ सॉल्यूशन कंटेनिंग 8 ग्राम ऑफ अ सब्सटेंस इन 100 ग्राम डाइथाइल ईथर. तो आपने 8 ग्राम सब्सटेंस डाला है इन 100 ग्राम डाइथाइल ईथर DE. ठीक है, बॉइल्स एट 36.86. तो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, ये स्टेटमेंट थोड़ी आपको ध्यान से समझनी है कि ये जो बॉइलिंग पॉइंट है ये सॉल्यूशन का है. क्यों? क्योंकि देखिए यहां पे गिवन है अ सॉल्यूशन कंटेनिंग 8 ग्राम ऑफ सब्सटेंस इन 100 ग्राम ऑफ ईथर बॉइल्स एट. तो ये जो बॉइलिंग पॉइंट है ये किसका है, सॉल्यूशन का. सॉल्यूशन कंटेनिंग दिस, ठीक है, वेयर एज द प्योर ईथर बॉइल्स एट 35.8. तो प्योर ईथर, तो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ डाइथाइल ईथर 35.6, इसको करेक्ट कर लेते हैं, 35.6 डिग्री सेल्सियस. ठीक है, डिटरमाइन द मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट इफ KB इज 2.02. तो आपको KB गिवन है 2.02. अब देखिए जो डेल्टा TB होता है वो किसके बराबर होता है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन माइनस बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट, या कितना बड़ा बॉइलिंग पॉइंट, वही होता है डेल्टा TB. तो बड़े वाले वैल्यू से हमेशा छोटी वाली वैल्यू को माइनस करना है, एक तरह से 36.86 माइनस 35.6. अब जरूरी नहीं है कि मैं यहाँ केल्विन में रखूंगा, दोनों को डिग्री सेल्सियस में रख लेते हैं क्योंकि मुझे तो चेंज ही निकालना है ना सिर्फ. तो ये जो चेंज आएगा ये आपके पास आएगा 1.26. ठीक है, तो ये डेल्टा टी बी आ गया. और हमें पता है जो डेल्टा टी बी होता है वो किसके बराबर होता है, के बी इंटू एम के. डेल्टा टी बी हमारे पास 1.26 है, के बी हमें गिवन है 2.02 इंटू मोलैलिटी. मोलैलिटी क्या होती है, मोल्स ऑफ सॉल्यूट. मोल्स ऑफ सॉल्यूट कैसे निकलेगा, गिवन मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मॉलिक्यूलर मास हमें निकालना है, डिवाइडेड बाय गिवन मास ऑफ सॉल्वेंट विच इज 100 ग्राम ईथर इंटू 1000. ठीक है, इसे सॉल्व कर लीजिए और यहां से क्या आ जाएगा आपके पास, मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट. ठीक है, नोट कर लीजिए इसे. अगला क्वेश्चन, नाइन्थ क्वेश्चन, अ सॉल्यूशन ऑफ ग्लिसरॉल हैविंग अ मॉलिक्यूलर मास 92 इन वाटर. तो ग्लिसरॉल का मॉलिक्यूलर मास 92 गिवन है इन वाटर. तो आपने सॉल्यूशन बनाया है जिसमें आपने ग्लिसरॉल को डाला है वाटर के अंदर और इसका मॉलिक्यूलर मास है 92. ठीक है, prepared by dissolving some glycerol in 500 gram water. अब कितना glycerol डाला है हमें नहीं पता, तो हमने कुछ amount of glycerol
डाल दिया है इन हाउ मच वाटर, 500 ग्राम वाटर, दिस सॉल्यूशन हैज अ बॉइलिंग पॉइंट ऑफ 100.42. तो ये जो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन है वो है 100.42 डिग्री सेल्सियस. व्हाट इज द मास ऑफ ग्लिसरॉल दैट वाज डिसॉल्व टू मेक द सॉल्यूशन, केबी ऑफ वाटर 0.512 दिया है. तो केबी ऑफ वाटर हमने इस केस में क्या यूज करना है, 0.512. अब देखिए पहले हमें डेल्टा टी भी निकालना पड़ेगा तभी हम मोरालिटी से गिवन मास निकाल पाएंगे. तो डेल्टा टी भी क्या होता है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन माइनस बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट. तो सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट यहां पे कितना है, 100.42. सॉल्वेंट क्या है यहां पे, वाटर, और वाटर का बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है, 100 डिग्री. तो चेंज इन बॉइलिंग पॉइंट कितना आ गया, 0.42. ये चीज क्लियर है, आपको बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट नहीं गिवन लेकिन ये पता है कि वाटर इज अ सॉल्वेंट, वाटर इज एक्टिंग अ सॉल्वेंट इन दिस केस. तो सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट कितना होगा, 100 डिग्री, क्योंकि वाटर का बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री होता है. तो डेल्टा टी बी इज के बी इंटू एम, डेल्टा टी बी इज के बी इंटू एम. के बी यहां पे कितना है आपके पास, 0.512 इंटू मोलैलिटी. मोलैलिटी कितनी आएगी, गिवन मास ऑफ सॉल्यूट जो हमें निकालना है, डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास. मॉलिक्यूलर मास आपको गिवन था ग्लिसरॉल का 92 अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट यूज्ड 500 इंटू 1000. तो इसको आप कैलकुलेट कर लीजिए, यहां से आपके पास क्या आ जाएगा, मास ऑफ ग्लिसरॉल दैट वाज डिसॉल्वड इन 500 ग्राम ऑफ वाटर. डाउट नोट कर लीजिए इसे, फिर अगला क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं. चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, 10th क्वेश्चन. अ सॉल्यूशन प्रिपेयर्ड बाय डिसॉल्विंग 1.25 ग्राम ऑफ ऑयल ऑफ विंटर ग्रीन. तो सॉल्यूट है ये इन 99 ग्राम बेंजीन, 1.25 ग्राम सॉल्यूट, 1.25 ग्राम सॉल्यूट. तो गिवन मास ऑफ सॉल्यूट है 1.25 ग्राम और गिवन मास ऑफ सॉल्वेंट है 99 ग्राम, और सॉल्वेंट क्या है, बेंजीन, और बेंजीन का मॉलिक्युलर मास हमें पता है 78. ठीक है, हैज अ बॉइलिंग पॉइंट द सॉल्यूशन प्रिपेयर्ड, मतलब सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट है 80.31. तो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन 80.31. डिग्री सेल्सियस. डिटरमाइन द मोलर मास ऑफ दिस कंपाउंड, डिटरमाइन द मोलर मास ऑफ दिस कंपाउंड, मतलब गिवन मास तो हमारे पास सॉल्यूट का है और मॉलिक्यूलर मास हमें निकालना है. इफ बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर बेंजीन इज 80.1, तो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर बेंजीन मतलब बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट, क्योंकि बेंजीन यहां पे हमारे पास सॉल्वेंट है, इज 80.1 डिग्री सेल्सियस. ठीक है, और के बी दिया है 2.53, के बी दिया है 2.53. तो हमें पता है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट निकाल लो. डेल्टा टी बी किसके बराबर होता है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन विच इज 80.31 माइनस बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट 80.1, या बड़ी वैल्यू में से छोटी वैल्यू को माइनस करना है हमेशा. दिस विल बी 0.21. डेल्टा टी बी कभी भी नेगेटिव नहीं आएगा. ठीक है, तो हमें आगे पता है कि डेल्टा टी बी इज के बी इंटू एम. अब डेल्टा टी बी हमारे पास था 0.21, दिस विल बी इक्वल टू के बी विच इज 2.53 इंटू मोलैलिटी. मोलैलिटी होता है गिवन मास ऑफ सॉल्यूट विच इज 1.25, और मॉलिक्युलर मास ऑफ सॉल्यूट हमें निकालना है, गिवन मास ऑफ सॉल्वेंट इज 99 और ये ग्राम्स में था, इंटू 1000. तो यहां से आप क्या निकाल सकते हैं, मॉलिक्युलर मास ऑफ सॉल्यूट. कोई डाउट नोट कर लीजिए इसे, फिर अगला क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं. चलिए 11th क्वेश्चन देखिए. अ सॉल्यूशन ऑफ ग्लिसरॉल इन वाटर वाज प्रिपेयर्ड बाय डिसॉल्विंग सम ग्लिसरॉल इन 500 ग्राम वाटर.
तो सॉल्यूट कुछ डिजोल्व किया इन 500 ग्राम वाटर, तो हमें सॉल्यूट नहीं पता कितना डिजोल्व किया है, ये हमें शायद निकालना होगा, लेकिन सॉल्वेंट पता है 500 ग्राम और सॉल्वेंट इज वाटर, ठीक है। द सॉल्यूशन हैज अ बॉइलिंग पॉइंट ऑफ 100.42, तो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन इज 100.42 डिग्री सेल्सियस। While the pure water boils at 100 degree, हमें पता भी है, what mass of glycerol was dissolved? Kb 0.512, तो Kb हमें 0.512 दिया है, तो डेल्टा टी भी कितना हो जाएगा, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन 100.42 माइनस बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट 100 डिग्री, तो डेल्टा टी भी यहां से आ गया 0.42, तो डेल्टा टी भी इज Kb इंटू एन, डेल्टा टी बी किसके बराबर होता है, के बी इंटू एम, तो 0.42 इज इक्वल टू के बी 0.512 इंटू एम, मोलैलिटी, मोलैलिटी कैसे निकलती है, गिवन मास ऑफ सॉल्यूट जो हमें निकालना है अपॉन मॉलिकुलर मास ऑफ सॉल्यूट, मॉलिकुलर मास आपको गिवन है क्वेश्चन में, ग्लिसरोल, ग्लिसरोल का फॉर्मूला गिवन है C3H8O3, C3H8O3, तो जब आप इसका मॉलिकुलर मास कैलकुलेट करेंगे, 3 कार्बन हैं, 8 हाइड्रोजन्स हैं, 3 ऑक्सीजन्स हैं, कार्बन का मास 12, हाइड्रोजन 1, ऑक्सीजन 16, तो 48 प्लस ये कितना आएगा कैलकुलेट करके, 92, ठीक है, तो मॉलिकुलर मास हमारे पास आ गया 92 अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट, सॉल्वेंट है 500 ग्राम वाटर इन 2000, क्योंकि मास ग्राम्स में गिवन था, तो यहां से आप निकाल सकते हैं कि कितना सॉल्यूट हमने डिसॉल्व किया था इन दैट 500 ग्राम ऑफ वाटर, ठीक है, नोट कर लीजिए इसे, फिर अगला क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं। 12th क्वेश्चन, व्हाट विल बी द मोलर मास ऑफ कंपाउंड इफ 6.21 ग्राम ऑफ इट डिसॉल्वड इन 24 ग्राम क्लोरोफॉर्म, तो क्लोरोफॉर्म यहां पे सॉल्वेंट है, 6.21 ग्राम हमने डिसॉल्व किया है सॉल्यूट, तो हमने गिवन मास ऑफ सॉल्यूट ले लिया 6.21 ग्राम और इसका मॉलिकुलर मास हमसे डिमांड किया है, और सॉल्वेंट हमारा क्लोरोफॉर्म है जिसका गिवन मास हमारे पास है 24, तो गिवन मास ऑफ सॉल्वेंट 24 ग्राम। 68.04, what will be the molar mass of compound if this much of compound is dissolved in this much of to form a solution, to ye solution ka boiling point hai 68.04, to ye jo boiling point hai ye kiska hai, solution ka, theek hai, the boiling point of pure chloroform is 61.7 और के बी आपको गिवन था 3.63, ठीक है, देख लेते हैं एक बार, हाँ के बी था 3.63, तो देखिए सीधा सा है, डेल्टा टी बी फिर से कैलकुलेट कर लीजिए, वो कितना आएगा, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन 68.04 माइनस बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट 61.7, तो जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे ये आएगा 6.26, ठीक है, तो डेल्टा टी बी आ गया 6.26, तो डेल्टा टी बी हमारे पास होता है के बी इंटू एम, तो 6.26 इज इक्वल टू के बी विच इज 3.63 इंटू मोलैलिटी, गिवन मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मॉलिकुलर मास अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इंटू 1000, तो यहां से आप सॉल्व कर लीजिए और आपके पास मॉलिकुलर मास ऑफ सॉल्यूट आ जाएगा, ठीक है, विद डाउट नोट कर लीजिए इसे, फिर अगला क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं। 13th क्वेश्चन, इफ द वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड ए इज ग्रेटर देन द वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड बी देन द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ ए इज लोअर देन बी,
ये अभी अभी हमने पढ़ा कि अगर वेपर प्रेशर ज्यादा होता है तो बॉइलिंग पॉइंट कम होता है, तो अगर ए का वेपर प्रेशर ज्यादा है तो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ ए कम होगा। ठीक है, ये अभी अभी हम एक्सप्लेन कर चुके हैं कि अगर ए का वेपर प्रेशर ज्यादा है तो कम टेम्परेचर पे उसका प्रेशर एटमोस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो जाएगा, जबकि अगर एक वेपर एक कंपाउंड का वेपर प्रेशर कम है तो ज्यादा टेम्परेचर लगेगा ताकि उसका वेपर प्रेशर किसके इक्वल किया जा सके, एटमोस्फेरिक प्रेशर के, तो उसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा। ठीक है, तो ये था 13th क्वेश्चन। ठीक है, ये दो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज हमने डिस्कस कर ली हैं, फ्रीजिंग पॉइंट हम अगले लेक्चर में डिस्कस करते हैं। दो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज रहती हैं, दो हम डिस्कस कर चुके हैं, तो ये दो अभी आप पढ़िए, ठीक है, नोट्स बनाइए, और जो भी डाउट्स हैं फिर वो अगले लेक्चर में हम डिस्कस करते हैं।